अरे शिवना जी, आप कहाँ हैं? अरे कंपनी नमस्ते, आपके फोटोज देखने आया था। और ये किस खुशी में? आपके फोटोज इतने अच्छे आए हैं उसी की खुशी में। ये हाँ, ठहरो ठहरो ठहरो। रेति कितनी अच्छी लग रही है। आखिर बीवी किसकी है? ये तस्वीर इतनी काली क्यों है? क्योंकि बैकग्राउंड काला है। हम दोनों की तस्वीर कितनी खूबसूरत आई है। जी वो कितने अच्छे लग रहे हैं। और खुश भी। मैं चाहता हूं आप लोग हमेशा इसी तरह खुश रहें। आपकी मुसीबत तो हल हो गई, अब आप भागिए यहां से। क्यों, ये तस्वीर अच्छी नहीं लगी? ये तस्वीर कहां से मिली आपको? मिली नहीं, मैंने खुद खींची है। और रमन के अलावा इसे अभी तक किसी ने नहीं देखा है। ये तो शुक्र है कि ये तस्वीर मैंने ही खींची। अगर कोई और खींच लेता तो पता नहीं क्या हो जाता। जी वो मेरी भूल थी, अनजाने में। गलतियां अनजाने में ही होती हैं, जानबूझ के थोड़ी होती हैं। देखो कपना, मैं नैतिक मूल्यों और सामाजिक बंधनों में विश्वास रखने वाला शिव भक्त आदमी हूं और मुझे अपनी संस्कृति का अभिमान है। आज की पीढ़ी के लड़के लड़कियां इन पुराने रीति रिवाजों को, इन बंधनों को नहीं मानते। जब जब मैं किसी को इन्हें तोड़ते हुए देखता हूं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता और मेरा जी चाहता है कि मैं इन्हें ऐसी सजा दूं कि वो दोबारा ऐसी गलती कभी ना करें। ये मैंने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया। तो क्या आप कुमार को? नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने तुमसे कहा ना, मैं धार्मिक आदमी हूं। मैं शादी को पवित्र बंधन मानता हूं। आखिर मैं खुद भी तो शादीशुदा हूं और मैं उसकी पवित्रता पर आंच नहीं आने दूं। लेकिन तुमने बहुत बड़ी गलती की है, उसे आसानी से माफ नहीं किया जा सकता। तुम्हारे पिछले जन्मों के पुण्यों की वजह से शायद भगवान ने तुम्हें ऐसी जिंदगी दी है जो हर एक को नसीब नहीं होती। लेकिन यह मत समझना कि वो इस गलती को भूल चुका है। आप कहना क्या चाहते हैं? ऊपर वाले की तरह मेरी लाठी में भी आवाज नहीं होती। अब क्या है, देखो इस शिव कार्य को करने के साथ साथ मुझे अपना घर भी तो चलाना है। तुम्हारी सहेली रेवती, उसकी बच्ची आशु, और मुझे यकीन है तुम इसमें मेरी मदद करोगी। आप मुझे इस तरह शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? साफ साफ कहते क्यों नहीं, आप चाहते क्या हैं? 1,00,000 रुपया। 1,00,000? मैं उतना ही मांग रहा हूँ जितनी मुझे जरूरत है। और तुम जैसे अमीर लोगों के लिए इतना पैसा देना कोई मुश्किल तो नहीं है? इतना सारा रुपया मैं कहाँ से लाऊंगी? वो घबराओ मत, उसका भी रास्ता हो जाएगा। तुम्हें ये सारे रुपए एक साथ देने की जरूरत नहीं है। ये मैं रखता हूँ, तुम 25-25 की 4 किस्तों में दे सकती हो। हर बीवी घर के खर्चे से थोड़ा बहुत पैसा तो बचा के रखती है ना। तुमने भी रखा होगा तो अभी वो दे दो। बाकी के पैसे कैसे देने हैं वो मैं तुम्हें बताता रहूंगा। जल्दी करो, देर हो रही है, कुमार साहब आते ही होंगे।